हेलो गाइस, दिस इज असम एंड यू आर वाचिंग सो राइडर। सो गाइस, आज मैं आनंद बिहार भाई सुबह सुबह और टाइम अभी हो रहा है 6:56 और देख रहे हो भाई हमें अपने स्विफ्ट एमटी में और अपना सेटअप भी भाई रेडी रहता है हमेशा, कहीं भी जाओ व्लॉग करते जाओ। सो गाइस, आज हम जाएंगे भाई घर, क्योंकि स्पेसिफिक तो मैं किसी को छोड़ने आया था आनंद बिहार, तो आते वक्त तो मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि सब साथ बात करते हैं, बट अब जाते हुए आपको दिखाऊंगा भाई स्विफ्ट एमटी चलती नहीं तैरती है। तो आओ मिलते सीधा आपको उस कैमरे पर। सो वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज भाई ताजी ताजी हवा चल रही है और मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना दी जाए। मैं हूँ अभी अपनी स्विफ्ट एमटी में और ऑटोमेटिक होने के बाद ही मैं यार इसको मैनुअल ड्राइव पे कर रहा हूँ अभी। मतलब मैनुअल में क्या होता है, इसके लिए ऑटोमेटिक में भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है मैनुअल का, तो आप देख सकते हो मैंने एम पे कर रखा है, दैट इज मैनुअल। और इसमें क्या होता है, जैसे गियर शिफ्टिंग जो मतलब फिफ्थ गियर, अगर मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो गियर अपने आप उतरेंगे, बट चलाने मुझे यहाँ पैडल शिफ्टर से पड़ेंगे, नॉब से, गियर नॉब से प्लस माइनस करके। सो गाइज, आज भाई मौसम हो रहा है काफ़ी सुहाना और एज यूजल दिल्ली में पंगे लेते हुए लोग, बट अपन को क्या करना है उनसे यार। अब नाउ आई एम कन्फ्यूज कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे, मैं हमेशा कन्फ्यूज रहता हूँ इस जगह तो भाई। एंड ऊपर ही लेते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। और बेचारे ये जानवर रोडों के चक्कर में इनकी बहुत लग गई भाई। रोड तो बन गए, हमें अच्छे रोड तो मिल गए, बट इनकी जो भाई घर हैं वो उजड़ चुके हैं। सो हाईवे पे लेते हैं अभी, ये बेसिकली सरायकालेखा वाला रूट है। सो देख के लेंगे क्योंकि अक्सर यहीं पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ वी आर टेकिंग टूवर्ड्स दिल्ली और दिल्ली है यहाँ से 17 किलोमीटर। सो मैं चला रहा हूँ मैनुअल फोर्थ गियर पे अभी कार, तो गेट ड्रॉप करते हैं और वैनिश हो जाते हैं, नॉट वैनिश यार। सो गाइस देखो, थर्ड गियर 80, बट अभी ये गियर नहीं पकड़े क्योंकि मैं मैनुअल मोड पे चला रहा हूँ ऑटोमेटिक होने के बाद भी। थर्ड गियर भाई 80 आराम से जा रही है, इवन 120 भी चली जाएगी, सब डालते हैं फोर्थ गियर। और गाइज मैं मीटर पे यार ज़्यादा ध्यान नहीं दूँ क्योंकि मैं एक तो व्लॉग पे ध्यान देता हूँ और सेकंड थिंग यार मैं थोड़ा सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा रखता हूँ। मैं रोड पे देखूंगा इनसाइड ऑफ मीटर पे ध्यान दूंगा, बट जहाँ पे खुला रोड होगा, अदरवाइज यार आप देखते रहना अगर आप देख सको तो, क्योंकि मैंने सुपर वाइड एंगल्स में सेट किया हुआ है। यार स्विफ्ट की बात करूँ तो स्विफ्ट एमटी यार एक इकलौती गाड़ी मैंने देखी भाई जो तैरती है। एक पोलो की वॉक्सवैगन भी अच्छी है, सॉरी वॉक्सवैगन की जो पोलो कार है वो भी बहुत अच्छी है, और एक स्विफ्ट, मतलब इस प्राइस रेंज में यार स्विफ्ट से बेटर कार मैंने कोई सी नहीं देखी। बट एक ही सिर्फ प्रॉब्लम है, वो है सेफ्टी कंसर्न, जो कि इसकी रेटिंग है 0। सो अभी मैं फिफ्थ गियर पे हूँ, कार क्रूज हो रही है 80 पे, और 80 90 आप इसको किसी भी स्पीड पे क्रूज कर सकते हो, स्विफ्ट की एक खास बात है। और अदर कार यार थोड़ी प्रॉब्लम करती है, क्रूज इतनी अच्छे से नहीं हो पाती, बट भाई स्विफ्ट आप जब जैसी मर्जी क्रूज कर लो, इवन ये 40 में भी मैंने क्रूज करी है फिफ्थ गियर पे, तो बिल्कुल मक्खन चलती है। सो मैनुअल पे चला लिया, अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको ऑटोमेटिक पे, तो ऑटोमेटिक के लिए कुछ नहीं करना, मैनुअल का जो खटका है वो डी पे करना है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव, तो ड्राइव पे फिफ्थ गियर पे आइए। मैनुअल फिफ्थ गियर पे थी इसलिए ड्राइव पे करते हैं फिफ्थ गियर पे इसने पकड़ा, क्योंकि यार अगर इसमें ये अच्छा फीचर है, अगर मान लीजिए आप मैनुअल पे मान लीजिए सेकंड गियर पे हैं, तो आप ड्राइव पे करके फर्स्ट पे ना आ जाए, तो भाई जो आप गियर चेंज करोगे जिस टाइम पे जो गियर होगा वही आएगा। तो गाइस अब आपको दिखाता हूँ, मैं गियर शिफ्ट मैंने हटा दी क्योंकि यार ब्लॉक कर रहा हूँ, तो मैंने ऑटोमेटिक पे कर लिए। सो गाइस अब देखिए गियर डाउन, और गाइस फोर्थ गियर, मतलब इसका यार देखो मैं टॉप स्पीड तो नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मैं यार रश नहीं चलाता और चलानी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कार चलाने के लिए बनी है यार। रेसिंग ट्रैक पे अगर आपको भगानी तो भाई रेसिंग ट्रैक पे ले जाओ, इन हाईवे पे नहीं, क्योंकि अपनी तो यार जान जानी, दूसरों की भी तो जान की हमें रक्षा करनी है। सो फिफ्थ गियर, नाउ वी आर ऑन 80, और 80 पे भाई आप क्रूज करेंगे
और 80 पे भी यार मेरे को ऐसा फील रही थी 120 पे चल रही है, मतलब मेरे पे चाइनीज स्टील होती मैं उसको 90 100 पे चलाया था, बट मेरे को ऐसा लगता था बहुत मुश्किल खींच रही है, बट इसकी पावर इतनी अच्छी है कि फिफ्थ गियर 80 पे भी चल रही है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार फास्ट तो नहीं चल रही है, पावर मीटर पे मेरी नजर जाती है कभी कभी कि यार ज़्यादा तो यार तेज़ तो नहीं चल रही है। सो गाइस यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट क्योंकि हमें जाना है सरायका लेखा वाले रूट पे, फिर वहाँ से लेंगे गोल चक्कर टूवर्स बारापुला देन मूलचंद देन अपने घर। अब देखो गियर उतारता हूँ, फिफ्थ गियर पे चल रही है अभी, एक पैडल शिफ्टर तेज मारा गियर डाउन, एक और पैडल शिफ्टर मारा थर्ड गियर। तो गाइस ऐसे में इसके गियर उतारता हूँ कि एआई को मैं समझाता हूँ कि भाई मैं फास्ट एक्सेलरेशन कर रहा हूँ तो स्पीड तो ये पकड़ता नहीं है फास्ट एक्सेलरेशन में ऑटोमेटिक कार, बट क्या होगा कि वो एआई समझ जाएगा कि भाई उसको पावर चाहिए, मतलब इंस्टेंट वो थ्रोटल दे रहा है तो उसको मतलब भगानी है तो गियर डाउन कर देता है। और आप अगर जैसे स्मूथ में चला रहे तो देख रहे हैं स्मूथ में ही अपना फिफ्थ गियर पर अगेन आ गई है, तो एआई इसमें यार इतने अच्छी तरीके से काम करता है, मतलब इतना परफेक्टली इंसान भी गेम डाल पाएगा। और ऑटोमेटिकली बहुत बंदे ये क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे इंस्टा पे कि मान लीजिए हम ट्रक जा रहा है ट्रक से ओवरटेक करते और गेम डल जाए, तो गाइस ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा ये मतलब जब तक आप ऑटोमेटिक चलाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। और यार एक चीज़ और भी है, जब आप ओवरटेक करते तो आपका एक्सेलेरेशन हाई होता है, तो जब हाई एक्सेलेरेशन आपकी कार का रहेगा ना तो गियर जल्दी से फिर शिफ्ट नहीं होते क्योंकि एआई समझ जाता है कि भाई वो फास्ट कर रहे हैं इट मीन्स उनको ओवरटेक कर रहे हैं। सो ऐसा कोई भी यार मिथ ना पाले ऑटोमेटिक को लेकर, क्योंकि भाई मैं चला रहा हूँ मेरे को तो कोई इशू नहीं लगा स्टार्टिंग में। हाँ पैर में दर्द आपको जरूर होता है क्योंकि यार लेफ्ट साइड का पैर जो है वो क्लच का होता है भाई, वो इसमें फ्री रहता है बेसिकली, क्लच का लीवर ही नहीं होता इसमें, तो थोड़ा पैर दुख सकता है आपका। बट भाई जिसको AMT की आदत पड़ गई ना, सच बताओ AMT सबसे बेस्ट कार है एज पर मी। आज चाय पीने का बन तो है, अब क्या करें जनता, चाय पिए ना पिए, चाय पिए ना पिए, शायद चाय वाले भी आए भी नहीं यार। सो सूरज भाई निकल आए हैं और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट और इस राउंड सर्कुलर जो भी से कहते हैं यार मुझे आज तक नहीं पता चल पाया, इस राउंड से लेंगे हम बारापुला के ऊपर। तो गाइस यहाँ इसकी स्टेबिलिटी चेक करना, देखो फिफ्थ गियर पे गियर डाउन करता हूँ और हल्की सी स्पीड लेता हूँ तो भाई देखो कितनी स्टेबिलिटी है, साथ एकदम राउंड लेगी, ऐसा नहीं है मतलब कोई वाइब्रेशन आ रही है या कुछ सडन, कहते हैं ना कि गाड़ी एकदम वाइब्रेट से करती है तो होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल स्टेबिलिटी से साथ चढ़ रही है। तो ये चीज़ मेरे को स्विफ्ट की बड़ी अच्छी लगी भाई, मतलब बहुत स्मूथ ड्राइव है, एकदम निम्बल चलती है भाई। यहाँ पे आपको थोड़ा भगा कर दिखाऊंगा क्योंकि बारापुला पे फिर भी सेफ है, बट सेफ्टी के साथ। स्विच टू हाइपर राइडिंग बट डिपेंड ऑन द ट्रैफिक एज वेल। पीछे में एक बार बार एक डायलॉग मार रहा था वैनिश, मतलब ड्रॉप द गियर एंड वैनिश, वो मुझे अभी याद आया, ड्रॉप द गियर एंड डिसअपीयर, मैं वैनिश कह रहा था यार, हो जाता कभी कभी यार, कोई बात नहीं इतनी छोटी मोटी गलती तो माफ़ कर ही देना यार। वैसे ड्यूटी टाइम तो नहीं है अभी, 7:30 हो रहे हैं, 7:30, बट यार ऐसे में इतना ट्रैफिक, मतलब यार दिल्ली में ना थोड़ा घिचपिच हो गया यार, अरे इस टाइम तक तो यार बाइकर वापिस आ रहे होते थे, अब से 2-3 साल पहले मैं दिखता था सुपर बाइकर ही बस रोड पे दिखते थे। और देखो ये ड्रैग देखो यार भाई कितनी सेकंडों के हिसाब से स्पीड पकड़ रही है एकदम, मतलब कोई भी बड़ी कार भी होती है ना इसकी रेंज से ही बड़ी कार होगी ना भाई तो उससे ही कॉम्पीट कर लेगी आराम से, इतनी पावर है अभी। अभी तो मैं पीछे थार वाले से भी, थार वाला मुझसे बोल रहा है रेस लगा ले, मैं कहा नहीं जी थैंक यू। गाइस यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट टर्न और हम बारापुला को यहाँ से टाटा बाय बाय कर देंगे और जाएंगे मूलचंद की तरफ थ्रू लाजपत नगर।
और बंदे कहते हैं कि यार आप सो राइडर लिखते हो तो मोटो मतलब सो राइडर लिख के आप बाइकों का ही बनाया करो। तो यार सो राइडर, राइडर मींस आप किसी भी चीज़ को राइड कर सकते हो यार। ज़रूरी नहीं है कि मैं बाइक का ही राइडर हूँ, मैं यार ऑब्वियसली मैं कार का भी राइडर हूँ, कल को ट्रक चलाऊंगा ट्रक का भी राइडर होऊंगा। तो भाई व्हीकल है बस मेरा जितना भी टॉपिक है ना, एक व्हीकल के ऊपर है। डेली ब्लॉग्स भी हो सकते हैं उसमें, लाइफ स्टाइल भी मैं ऐड कर सकता हूँ, बट होगा रिगार्डिंग टू व्हीकल ही। सो आ गए लाजपत नगर के फ्लाईओवर पर। देखो गाइस, आप मीटर देखते रहना, मैं सिर्फ ड्राइव करने पे ध्यान दूंगा। और यार ऐसे बंदे ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कि जब मिरर दिए तो भाई मिरर खोल के चलाओ ना यार, ये मिडल वाले इससे नहीं पता चलता इतना यार। मैं भी पहले ऐसे करता था कि शीशे बंद करता, बट कई बार ऐसा हुआ ना कार्ड में ठुकते हुए बच गए, तो मेरे को अकल आ गई और मैंने उस दिन से फिर मिरर ओपन करके गाड़ी चलाई है। बिना अगर मिरर नहीं होता ना फिर भाई बहुत आराम से लेता हूँ मैं एकदम, ये नहीं कहीं भी घुसा दी उधर। सो एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर ये है कि यार यही व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि बैटरी होगी मेरी GoPro की 5%। और यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अपना सेट भी घर पे भूल गया हूँ बैटरीज का। खैर एनीवे, आज के लिए वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग सो राइडर।